हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर पाइसेस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, The Devil, Queen of Pentacles, Page of Wands, and Seven of Wands. तो हमारे पास हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ इस वीक में आई थिंक आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। पाइसेस, हर्मिट का कार्ड आपको एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त डाल सकता है जहां पे आप ये महसूस करेंगे कि हर कोई आपको अकेला छोड़ गया है। आप जिससे प्यार करते हैं वो पर्सन आपको समझ नहीं रहा और कॉन्टिन्यूसली दूसरी चीजों को अपनी प्रायोरिटी समझता है, क्योंकि यहाँ द डेविल है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसी चीज है जिसको ये पर्सन आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा है। एंड आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये पर्सन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। द डेविल हो सकता है इनके किसी तरीके के एडिक्शन के बारे में, किसी आदत के बारे में, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। फ्लर्टेशियस हो सकते हैं या और किसी तरीके की हैबिट जो आप दोनों के रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है लगातार। द डेविल लस्ट के भी बारे में है। द डेविल किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी हो सकता है जो लगातार इस पर्सन को ये बता रहा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं, इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करता। कोई 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 क्लोज फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स भी हो सकता है। यहाँ पे द डेविल दर्शाता है ऐसी चीजों को जो आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल बन गई है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इस पर्सन के अपने पर्सनल एम्बिशन हो, अपनी पर्सनल चॉइसेस हो, जैसे वर्क या कोई और चीज, एंड ये पर्सन इस चॉइस की वजह से आपसे दूर होते जा रहा है। कोई और ऐसी चीज जो आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल बनी हुई है जिसको ये पर्सन ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि अब आप इस सिचुएशन में क्या करें। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ पाइसेस, शायद आप इस पर्सन से इस वीक में अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। आप इनके बारे में सोचते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स किसी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश कर सकता है। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे इनके सोशल मीडिया के थ्रू, इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या कोई ऐसी चीज जो आपको इनके बारे में कुछ बता सके। आप इस पर्सन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगेंगे इस वीक में, पर यह वक्त आपको यूनिवर्स ने इनके बारे में सोचने के लिए नहीं दिया, आपके बारे में सोचने के लिए दिया है। द हर्मिट के साथ अगर ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी कोई हैबिट इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रही है या कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस फेज से बाहर आए। ओके, यहां पे आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे देखता है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप हर तरीके से ब्लेस्ड है, आप स्टेबल है, आप परफेक्शन है, पर जब बात उनकी आती है तो कहीं ना कहीं वो आपसे कंपैरिजन में कम है या सेम पेज पे नहीं है, एंड इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है किसी ऐसी शुरुआत के बारे में जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, या यू कहे कि जैसा इन्होंने सोचा था वैसे नहीं हो रही है। इस पर्सन को आपको देख के ये लग रहा है कि आप उनसे लॉयल तो हैं, ये लव ट्रू तो है, आप उनके क्लोज तो हैं, पर आप हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करें कि वो आपके बराबर आए। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो बेवजह ही हर्ट हो गया है। आपसे ये कुछ कह नहीं रहे पर लगातार खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये आपसे कम है, तो आपका अटेंशन पाने के लिए ये कुछ अनहेल्दी वेज अपना सकते हैं जिससे वो ये प्रूव कर सके कि वो भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, पर इस पर्सन को खुद को ये बात प्रूव करनी है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें
मन में ये गलत फहमी है कि चूंकि आप उनसे कहीं बेहतर है तो वही आपको ज्यादा पैम्पर करते हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब बात उनकी आती है तो ऑफ कोर्स आप उनके जैसे पर्सन में क्यों इंटरेस्ट लेंगे जो कि उनसे कई मायनों में कम है या पीछे है, ऐसा उन्हें लगता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने वर्थ को प्रूव करना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, लॉयल है, एंड ये चीज इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आप कैसे हैंडल करें। उन्हें चाहिए आप, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें आपकी लॉयल्टी, आपका लव चाहिए। पर दूसरी तरफ ये पर्सन आपकी एनर्जीज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके इस पर्सनालिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर सकता है इन्हें रोकने के लिए या इन्हें जज करने के लिए, इन्हें ये कहने के लिए कि इन्हें शायद एक डिफरेंट अप्रोच रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको इरिटेट कर सकती है। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको जज कर सकता है, ये पर्सन आपको ऐसे फील करा सकता है जैसे आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, या चाहे वो कुछ भी करें आपको कुछ कहना नहीं चाहिए। यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में, पाइसेस। वैसे ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। इस पर्सन को दूसरे लोग ये आइडिया दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से ट्रीट करके वो आपका सारा अटेंशन पा सकते हैं या आपका ऑब्सेशन बन सकते हैं। द एम्परर को चीजें कंट्रोल करना पसंद है, पाइसेस, एंड वो सोच रहे हैं कि शायद ऐसा करने से आप उनकी हर एक बात मान जाएंगे, इस तरीके से नाराजगी जताने से या इस तरीके से किसी भी चीज को लेके इश्यू बनाने से शायद आप कोई भी बात डिस्कस करना ही छोड़ देंगे, कोई भी बात उठाना ही छोड़ देंगे, किसी भी प्रॉब्लम पे उन्हें रोकना ही छोड़ देंगे, एंड फिर उन्हें आपका सिर्फ और सिर्फ ये अनकंडीशनल लव मिलेगा। द स्टार के साथ ये पर्सन, पाइसेस, शायद इनके इंटेंशंस पूरी तरह से अच्छे नहीं है। द स्टार के साथ ये पर्सन आपको चाहता तो है, आपके पेंटिकल्स भी चाहता है, आपका आपका ये प्यार भी चाहता है, पर दूसरी तरफ ये अपनी तरफ से कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं, या अपना कोई भी वादा पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि ये पर्सन क्या चाहता है। ये आपका सिर्फ अनकंडीशनल लव, जो कुछ भी है आपके पास वो चाहता है, पर जब जब बात खुद पे आती है तो ये पर्सन कुछ भी एक्स्ट्रा करने को तैयार नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर्सन को अब ये बात समझ में आ रही है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो आपको भी बिटर बना रहा है। ये पर्सन इस बात को जानता है। इनफैक्ट ये देखना चाहते हैं कि ये जो गुस्सा है आपका वो कहाँ तक जाता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको जज कर सकता है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, सारी चीजें अपने तरीके से ही चाहते हैं, जबकि 99 चीजें आप इनके अकॉर्डिंग करते हैं। ये किसी भी एक चीज को लेके इश्यू बना सकते हैं। और थ्री ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप इस पर्सन पे कुछ ज्यादा ही फोकस्ड हैं, आपको फोकस्ड होना चाहिए अपने लाइफ के दूसरे पहलुओं पे। क्योंकि ये इस पर्सन का इंटेंशन है कि आपका अटेंशन इस तरीके से पाया जाए, और ये चीज आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। पाइसेस, अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन,
तो आप यहाँ पे एक अवेकेंट सोल हैं, आप एक जर्नी पे हैं, किसी भी ऐसी चीज के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए जो आपको डिजर्व नहीं करती, जिस सिचुएशन में आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको वो मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं, उस सिचुएशन में मत जाइए। जस्टिस श्योर कीजिए, क्योंकि जब हम अपने सोल के लिए लड़ते हैं, अपने साथ इनजस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो हम अपनी सोल को और स्ट्रांगर बनाते हैं और स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये रीडिंग थी इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।